तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अपने व्लॉग चैनल पे। ये देख सकते हो अली नदी, ये आ रही है अपने भूटान से। तो अभी यार नहाऊंगा इसी में और फिर देखेंगे कि कहां चला जाएगा। पीछे दिखा देता हूं, ये अपना रिजॉर्ट है, कल हमने यहीं स्टे किया था परमिशन लेके। और नदी तो देख ही लो यार, क्या ज़बरदस्त बहाव है। तो अभी नहाऊंगा और फिर मिलूँगा आपसे। ओके जी। तो भाई साहब ये देख सकते हो अपने पोहे हो गए हैं रेडी, ठीक है। तो अभी खाएंगे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, टेस्ट करके बताता हूँ मैं। थोड़ा सा जल गया बस, टेस्ट बढ़िया है वैसे। तो मिलते हैं खाने के बाद। रिजॉर्ट भी अपना दिखाई दिया है मैंने, अभी खाना खाता हूँ और मिलता हूँ आपसे। तैयार व्यार हो गए हैं, बैकपैक बस थोड़ा सा बैकपैक रेडी करना रह गया, रेडी करने के बाद निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे। तो भाई साहब फाइनली आई वैली रिजोर्ट को अलविदा बोलने का टाइम आ गया है और अपने साथ है चंदन भैया, धन्यवाद भैया यहाँ पर जो भी हेल्प किया आपने। और आई वैली रिजोर्ट में दिखा देता हूँ यहाँ पे आगे चल के ढंग से। अभी चल रहे हैं आगे, ये देखिए ये है कॉमन डाइनिंग रूम। यहाँ पे कॉमन डाइनिंग रूम है, यहाँ पे लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। और इस साइड में चलता हूँ, इस साइड में दिखाता हूँ। ये किसी को पर्सनल रूम चाहिए तो पर्सनल रूम भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ऐसे पर्सनल रूम देखा, पूरा ट्रेडिशनल लुक दिया गया है। ऊपर छप्पर है, नीचे ये टेबल है और पर्सनल टाइम बिता सकते हो आप यहाँ पे। और ऐसे ही चार पांच पर्सनल रूम बनाए गए हैं। ये अपना फूडिंग का सेशन है, यहाँ पे अपना खाना वाना बनता है। और थोड़ा सा आगे चल के देखोगे ना, दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ही आगे जाओगे तो ये अपनी नदी है जिसके नाम पे अपना रिजॉर्ट का नाम रखा गया है। नदी बहती गई आगे की तरफ गई है, ये नदी भूटान की तरफ है। तो यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हो आप आके। तो अभी अलविदा बोलने का टाइम आ गया है चंदन भैया, ठीक है। ओके ओके, धन्यवाद भैया, अभी चलते हैं आगे। बाय बाय बोल दो भैया, बाय। ओके तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हो तो भाई साहब गर्मी हो रही है ज़बरदस्त और अभी हगमारा ब्रिज को क्रॉस करते हुए गुवाहाटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। और ये देख सकते हो नदी, ये नदी है अली और आ रही है भूटान से। और इस साइड होता है अपना गेजिंग फेस्टिवल, अभी तो नहीं हुआ था 2 साल से क्योंकि कोरोना हो रहा है। उससे पहले मैंने वीडियोस देखी और क्या ज़बरदस्त फेस्टिवल होता है यहाँ पे। बड़े बड़े स्टार और सुपरस्टार्स आते हैं बाहर से यहाँ पे फेस्टिवल बनाने के लिए। यार इतना बड़ा फेस्टिवल है कि पूछो मत। और मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पर होता है, अभी कैमरा करता हूँ मैं आगे। ये देख रहे हो ये सूखी नदी, पिछले साल तो यहीं पे हुआ था गेजिंग फेस्टिवल। और अंकल बता रहे थे उससे एक साल पहले मतलब 2018 में उस साइड हुआ था। यहाँ पे कमेटी है, वो डिसाइड करती है कि कहाँ पे फेस्टिवल मनाना चाहिए। और सारा का सारा ये जो जगह देख रहे हो प्लेन कर दी जाती है, ग्रीनरी थोड़ी सी घास वास लगाई जाती है, फिर देन सितंबर के एंड में काम चालू हो जाता है। 1-1.5 महीने लगते हैं काम, पंडाल वंडाल लगाने में और सारा स्टेज वेज सजाने में, फिर जाके यहाँ पे गेजिंग फेस्टिवल चालू होता है 27 दिसंबर के आसपास। और ये देखिए नदी बहती हुई आगे जा रही है और ये बहाव देख लो। और अब बढ़ रहे हैं वो आगे यार, गर्मी ज़बरदस्त हो रही है, 12 बज रहे हैं यार, सिर पे सूरज है और आपका भाई पैदल चल रहा है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, गर्मी तो हो ही रही है ज़बरदस्त, ठीक है। ओके तो भाई साहब पैदल चल रहे थे और दिन की पहली लिफ्ट मिली है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सूरज छेत्री है भैया। सूरज छेत्री भैया धन्यवाद। और ये भैया हमें छोड़ रहे हैं अराउंड 8 किलोमीटर के लिए, तो अभी आगे चलते हैं। चले भैया चलते हैं अभी आगे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके चलो भैया, मैं हरियाणा से भैया। अच्छा आपको दिखा था वो टपकनी? अच्छा, तो अभी आगे चल रहे हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
तो फाइनली दोस्तों एक लिफ्ट मिलने के बाद आपका भाई पहुंच गया हाईवे पे। ये हाईवे जाता है गुवाहाटी की तरफ और गुवाहाटी यहाँ से अराउंड 180 किलोमीटर। और आज हमने कोई डिसाइड नहीं किया कि आज हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, तो अभी तो पैदल ही चल रहे हैं। आज जहाँ रात होगी वहीं पर स्टे करेंगे हम। गुवाहाटी वैसे अगर ब्लैक लिफ्ट मिली तो गुवाहाटी पहुँच जाऊँगा मैं, बट आज कुछ फिक्स नहीं है। कोशिश करेंगे कि गुवाहाटी से पीछे ही रहें आज हम। ओके तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा यार यहाँ पे। इतनी देर तक सिरते हैं, बिल्कुल पसीने मुंह पे आ रहे हैं, देख सकते हो आप। और ये अपना रोड है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यार थक गया हूँ यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी हीट पड़ रही है ऊपर से, यार पूछो मत। मिलता हूँ आपसे। ओके तो भाई साहब मैं चल रहा था पैदल और इन भाई ने मेरे को लिफ्ट दिए, ये आगे बढ़ गए थे और गाड़ी पीछे मोड़ के लाए मेरे को पैदल चलते हुए। और भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धदेव राय है। बुद्धदेव राय जी, तो थैंक यू भैया लिफ्ट देने के लिए। और अभी कहाँ तक छोड़ोगे भैया? आपको छोड़ूंगा हम पटले रहा जो अराउंड 35 किलोमीटर यहाँ से। हाँ यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ेगा, जो बगाईगा डिस्ट्रिक्ट है ना, बगाईगा डिस्ट्रिक्ट का लास्ट है। अच्छा लास्ट वो लास्ट डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गाँव है वो। अच्छा उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट चालू होगा? बोरबेटा डिस्ट्रिक्ट चालू हो जाएगा। अभी एक भैया और है, उनसे मैं मिलवा देता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार राय है। प्रवीण कुमार राय। अच्छा मैं पटले दहा का रहने वाला हूँ। अच्छा ओके भैया धन्यवाद आपका। और ये अंकल है इनके पिताजी, इनसे भी मिल के मेरे को अच्छा लगा। नाम क्या है भैया अंकल का? अर्जुन राय। अच्छा धन्यवाद भैया। और यहाँ पे बिहू बनाया जाता है, वो भी तीन टाइम। ये भैया खुद बता रहे थे तीन टाइम मनाया जाता है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना मैं ओनली ओन एक टाइम ही मनाया जाता है। बैशाखी में एक होता है अपना, अप्रैल महीना में, अप्रैल 13-14 में होता है। उसके बाद होता है अक्टूबर नवंबर और बीच में होता है जो कार्तिक महीना, उसमें जो हमारा खेती वगैरह कुछ पूजा किया जाता है। अच्छा दिया तो लगे खेती का पूजा किया जाता है, क्योंकि और एक होता है जो भगाली भी होता है, वो होता है जनवरी महीना, जनवरी 13-14 जो किसी पोंगल किसी मकर संक्रांति उस टाइम मनाया जाता है। हमारे वहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं। तो अभी चल रहे हैं आगे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और देखते हैं आज कहाँ पहुँचा जाएगा। गुवाहाटी यहाँ से 126 किलोमीटर रह जाएगा जहाँ भैया मेरे को छोड़ेंगे, है ना भैया? चले भैया, और लाइफ अच्छी चल रही है, लाइफ अच्छी चल रही है, हमारी जिंदगी ऐसे है ठीक 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 ना। तो अभी चलते हैं आगे। ओके और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई साहब 40 किलोमीटर की लिफ्ट के बाद मैं पहुंच गया हूँ पटला था, और आगे बढ़ रहा हूँ सोरबोक की तरफ। और सोरबोक रह गया मेरा अराउंड 10 किलोमीटर। और ये देखिए यार तालाब, ज़बरदस्त तालाब है। और 10 किलोमीटर और आगे जाना है मेरे को, तो अभी चले ही जा रहा हूँ यार। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। गर्मी तो यार पूछो ही मत, गर्मी ने तो कभी चाड़े पाट रखे हैं यहाँ पर, भगवान भी ना मेरा की कर रहा है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई साहब ये देख सकते हो, ये भाई लोग कर रहे हैं अपनी फ़िशिंग, और ये इनका प्राइवेट तालाब है, यहाँ पे मछली पालन होता है, देख सकते हो यार। तो अभी आगे ही बढ़ रहे हैं और देखते हैं यार कब तक पहुँचेंगे सोरबोक। गर्मी यार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ओके तो भाई साहब वो बात कहिए ना कि धरती सुनहरी अंबर नीला हर आंगन चमकीला, ऐसा देश है मेरा। तो ये देखिए ऐसा इसलिए कहा था, धान की खेती चल रही है, हरियाली हरियाली फैली हुई है, दूर दूर तक आप देखोगे खेत ही खेत है। और इतना हरा भरा है ये आसाम, पूछो मत यार। इसकी जो नेचुरल ब्यूटी देखते ही बनती है यार, ज़बरदस्त है यार। मज़े आ रहे हैं आपका भाई अभी पैदल ही चल रहा है सोरबोक की तरफ। सोरबोक रह गया है अपना 5 किलोमीटर, और लास्ट 5 किलोमीटर से आपका भाई पैदल चल रहा है। गर्मी है ज़बरदस्त,
और आपका भाई चल रहा है आगे, और ये अपना रोड है, लिफ्ट कोई दे नहीं रहा है। तो अभी देखते हैं यार कब तक पहुंचते हैं, लिफ्ट मैंने वैसे मांगी भी नहीं है, जब तक पाँव चलेंगे चलेंगे, जहाँ थक गया वहाँ देख लेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे। तो भाई साहब अभी मैं हूँ सोरबोग के गुदिया मठ में, और आज का स्टे हम यहीं पे कर रहे हैं। थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग और क्या नाम है, लोकेशन वोकेशन नहीं आई मेरे पास, तो मैं 10 किलोमीटर आगे चला गया। और ये अपना मंदिर है गुदिया मठ, और आज का स्टे यहीं कर रहे हैं। खाना वाना मैं थोड़ी देर में खाऊँगा, हल्की हल्की बारिश होने लग गई है। तो कल बढ़ेंगे हम गुवाहाटी की तरफ, गुवाहाटी अराउंड यहाँ से 126 नहीं है यार, यहाँ से अभी मैंने गूगल पे चेक किया, अराउंड यहाँ से है 140 किलोमीटर। तो देखो यार कब तक पहुँचते हैं यार गुवाहाटी, और गुवाहाटी के बाद है ना वहाँ से चालू हो जाएंगे हल्के हल्के पहाड़, तो वहाँ पे तो मज़े ही आएंगे यार। और गुवाहाटी में एक कामाख्या देवी मंदिर है, वहाँ का भी हम देखेंगे कल, दर्शन वर्शन करेंगे। तो अभी खाना वाना खाएँगे थोड़ी देर में, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके, तो भाई साहब अपना खाना वाना हो गया और मैं इस टाइम मंदिर में हूँ। तो आज की वीडियो यहीं कर रहे हैं समाप्त, नींद आ रही है ज़बरदस्त। कल मिलते हैं आपसे, वीडियो को लाइक मार के जाओ, चैनल को मारो सब्सक्राइब, ठीक है? कल मिलेंगे आपसे। ओके, बाय बाय।